तो फाइनली मैं पाटलिपुत्र उतर गया हूँ और अब यहाँ से बस लिया हूँ। दरभंगा के लिए बस लेना पड़ता है जो पाटलिपुत्र स्टेशन पे ही लगी रहती है, लेकिन आज लेट से आई बस तो काफ़ी लेट हो गया मुझे। और ये है राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना का एक और स्टेशन। यहाँ से बस क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ट्रैफिक कुछ ज़्यादा हो जाता है, इतनी सुबह सुबह भी ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक लगता है यहाँ पे। देखिए कंस्ट्रक्शन के कारण कितना ट्रैफिक लगा। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती हुई, ये कुछ तो बना रहा है यहाँ पे। अच्छा मेट्रो का काम चल रहा है पटना मेट्रो के लिए, पटना में मेट्रो बनने वाला है। और ये देखिए राजेंद्र नगर टर्मिनल, आपको दिख रहा होगा लिखा होगा राजेंद्र नगर टर्मिनल। भाई वो ट्रैफिक बहुत है, ऑलरेडी हम लोग पहले ही लेट हो चुके हैं और अब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और ये देखिए ये पटना का सस्ता मरीन ड्राइव, तो आपको मैंने मुंबई का ओरिजिनल मरीन ड्राइव दिखाया है और ये देखिए पटना का सस्ता मरीन ड्राइव। हर चीज़ मुंबई का कॉपी कर रहा है, मरीन ड्राइव कॉपी किया है, स्काई वॉक ब्रिज कॉपी किया है, और ये जो है गांधी सेतु है न्यू वाला ब्रिज, जो न्यू ब्रिज बना है वो इसमें दीघा की तरह ही स्टील से ऊपर से घेर के दिया गया, सब घेरा हुआ है ऊपर से सेफ्टी के लिए। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि दीघा है या क्या है, लेकिन दीघा जो है वो काफ़ी पतला ब्रिज है, उस पर सिर्फ सिंगल कार ही जा सकती है, कोई भी ऐसा बस ट्रक नहीं जा सकता उस पर, अलाउड ही नहीं है। और ये देखिए गंगा का पानी, और ये है बीच में डेल्टा। जी हाँ, समुद्र के बीच या नदी के बीच जो ऐसे मिट्टी वाली जगह होती है, रेत वाली जगह होती है, उसे डेल्टा बोलते हैं। और यही डेल्टा जहाँ तरबूज उगता है, यहाँ पे तरबूज जहाँ फलता है यही है वो, यहाँ सोनपुर में हर जगह होता है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है व्यू आपको। और ये देखिए यहाँ पे हालत, हवा काफ़ी चल रही है।